कायद पाकिस्तान इमरान खान ने 2018 में आम इंतखाबात जीतने के बाद कौम से अहद किया, तो उस अहद की तकमील का अज़्म लिए मोहम्मद बशारत राजा ने दिन रात एक कर दिया। PP14 से अवामी मैंडेट हासिल करने के बाद राजा बशारत ने अपने कप्तान के नजरिए के मुताबिक कमजोर तरीन तबके को जिंदगी की बुनियादी सहूलियात पहुँचाने का बीड़ा उठाया और 4 साल अपने हल्के में तरक्याती कामों के जाल बिछा दिए। मैं जाती तौर पर महसूस करता था कि मैं एक लम्हे के लिए भी कोताही न करूं, और यकीन कीजिए कि आज जब मैं आपकी खिदमत में पौने 4 साल हुकूमत रहने के बाद हाजिर हुआ तो मेरा जमीर मुतमईन है दो हवालों से, एक कि मैंने आपके साथ रब्ता नहीं तोड़ा और दूसरा ये कि जिस मकसद के लिए आपने मुझे मुखब करके असेंबली में भेजा मैंने वहां आपका मान रखा और आपकी इज्जत में इजाफा किया। महज 4 साल में हल्के में 4 अरब रुपए से जायद की तरक्याती काम करवाए, जिनमें गलियों, सीवरेज लाइनों, नालों और पुलों की तामीर और मुरम्मत पर 91.5 करोड़ रुपए की खतीर रकम खर्च हुई। हार्डी स्ट्रीट और लिंक्स रोड पर लाइट्स की तंसीब पर 8 करोड़ रुपए खर्च हुए। कलमा चौक तक टहली मोहड़ी रोड सीवरेज सिस्टम और रोड की तामीर से ट्रैफिक के दबाव को कम किया गया, जिस पर 6 करोड़ रुपए की लागत आई। एशिया के सबसे बड़े बाजार टेंच भाटा रोड पर 5 करोड़ रुपए की लागत से सीवरेज लाइन बिछाकर ताजरों का दरीना मसला हल किया। अरसा दराज से टूट फूट का शिकार रेंज रोड की तामीर और मुरम्मत पर 4 करोड़ रुपए खर्च किए गए। वकला के इलाज मुआलजे के लिए 3 करोड़ की लागत से अस्पताल की तामीर जारी है। पंजाब असेंबली में बतौर सूबाई वजीर कानून और पार्लिमानी उमूर अवाम की भरपूर नुमाइंदगी करते हुए रिकॉर्ड कानून साजी की और अवामी मौकफ पर समझौता करने की बजाय चट्टान की तरह डटकर मुकाबला भी किया। वोट पाकिस्तान असेंबली कर नहीं सकते, कर सकता हूँ मैं, अगर नहीं कर सकते रूल 3 ऑफ रूल 20 ऑफ द रूल ऑफ प्रोसीजर ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली ऑफ पंजाब 1997। आप सारा गलत पढ़ रहे हैं। नौजवानों में खेलों की सरगर्मियों को फरोग देने और अच्छी सहूलियात की फराहमी के लिए धमयाल स्टेडियम बनाया गया। अपने कायद इमरान खान के विजन के मुताबिक इस अवामी मसले का फौरी अदराक करते हुए हल्के में 3 करोड़ रुपए की लागत से फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए गए, ताकि अवाम को पीने का साफ पानी मुयसर आ सके। अवाम को सेहत की मुनासिब और बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के लिए ढेरी हसनाबाद में डिस्पेंसरी में 1 करोड़ रुपए की लागत से नए ब्लॉक की तामीर करवाई गई। बच्चों की सैर और तफरीह के लिए 2 करोड़ रुपए की लागत से खूबसूरत पार्क्स बनवाए गए, जिनमें बच्चों के लिए मुख्तलिफ झूले, बेंचेस और रोशनी का मुअस्सब निजाम भी मौजूद है। अमनो इस्तेहकाम और आवाम के जानो माल की हिफाजत करने वाले शहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए 1.35 करोड़ की लागत से यादगार शहदा तामीर करवाई गयी, जिस पर अपनी जानों के नजराने पेश करने वाले शहदा की तस्वीर आवेजा की गयी। ट्रैफिक के मसाइल के हल और रोड्स की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए कलमा चौक और बाब आधड़ा पर 70 लाख रुपए की लागत से तजीनो आराइश का काम किया गया। कैंट में कब्रस्तान ना होने की वजह से मैयत को दफनाना इलाके का दरीना मसला था। मोहम्मद बशारत राजा ने इस मसले को तरजीही बुनियादों पर हल करते हुए शहर खमोशा रख धमयाल के लिए 4 करोड़ रुपए की लागत से 1000 कनाल की अराजी मुख्तस की। पुरानी कचहरी को सेशन कोर्ट से मिलाने के लिए 1 करोड़ रुपए की लागत से ओवरहेड ब्रिज तामीर किया गया, जिससे वकला बरादरी के साथ साथ अवाम भी फायदा उठा रहे हैं। इसके साथ साथ अरबों रुपए हल्के में सड़कों की मुरम्मत पर खर्च किए गए, जिनमें GHQ से नजर चौक 17 करोड़ रुपए, डोग सईदा चौक तमिसरियाल मोड़ 14 करोड़, आबिद मजीद रोड तटेंच भाटा चौक 10 करोड़, तलसा रोड टहली मोरी चौक 8 करोड़, बिस्किट फैक्ट्री रोड 4 करोड़, ट्रांजिट कैंप चौक तक रेलवे चौक 3.5 करोड़, रेलवे स्टेशन तक पूड़ी पुल 2.25 करोड़, गवाल मंडी चौक तक सदर 3.20 करोड़, कॉन्वे रोड तक रेंज रोड 2 करोड़, आदमजी रोड से रेलवे चौक 1.70 करोड़, गर्ल्स कॉलेज सदर से कैंट पुलिस स्टेशन 1.78 करोड़ के इलाके के रोड शामिल है। हल्के की शान साबिक सूबाई वजीर मोहम्मद बशारत राजा ने 2018 में ओहदा संभालते ही इस अहद का इजहार किया था कि हल्के में तरक्याती मंसूबों पर कोई समझौता नहीं होगा। पिछले 4 साल में जितने तरक्याती काम हुए उनकी मिसाल 70 सालों में भी नहीं मिलती। इन तरक्याती कामों के जाल देखकर दिल बेख्तियार पुकार उठता है
कि राजा बशारत ने हल्के के आवाम से जो वादा किया वो कर निभाया। हमने ये कोशिश की आपकी खिदमत करने की, मैं आपके साथ वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला हमारी जान जा सकती है, आपके साथ कभी बेवफाई नहीं। खुदा की खास रहमत है, बुजुर्गों की बशारत है, कई नस्लों की कुर्बानी, कई नस्लों की मेहनत है। शहीदों की अमानत है, ताबुन ही ताबुन है, मोहब्बत ही।